मैंने अपने बेटे की जिद मानी पचकाना जिद और उसने गिर रखवा दिया वो तो गर्ल अगर आज मेरी मोम जिंदा होती ना तुम घर चलाने के लिए पैसे नहीं, लिए पैसे नहीं। तुम। कुछ नहीं छोड़ा कुछ बोल लेकिन वो की खुद गर्जी बेहिसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया जी घबराहट हो रही है घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा अब भी फोन नहीं उठा रहा वैसे भी तुम्हें कौन सा मैंने ऐशो में रखा है औलाद होने से बेहतर था कि मेरी कोई औलाद ही ना हो मुझे शर्जीना और मुस्तफा के मामले में बोलने से मना कर रखा है मैं चांद से वाकिफ होने के बिना पर तुम खुद को तो छुपा के तो रख सकते हो मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत डिसीजन ले लो शर्जीना की कंडीशन है ना उसे कुछ अर्से के लिए हमारे यहाँ शिफ्ट हो चाहिए ड्रामे की अगली एपिसोड में जहां पर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डेवलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खराजात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और ग़ुस्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जी की तबीयत ख़राब होती है और वो मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शरजीना अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं ये सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शरजीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफ़ा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदे ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफी ज्यादा आजाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक़ दे लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने ख़ास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नज़र रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ हो बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी हो होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए दिल अपनी माँ और बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डिवेलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफ़ा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खर्चात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफ़ा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और गु़स्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जी की तबीयत खराब होती है और वो मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शरजीना अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफा के साथ ही रहूंगी। मुस्तफा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदेन ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक़ दे लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने ख़ास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नज़र रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आस्ता आहिस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डिवेलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के अखर्चा कैसे पूरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफ़ा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और गु़स्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जीना की तबीयत ख़राब होती है और वो मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं यह सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शरजीना अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफ़ा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदे ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक ले लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने खास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नजर रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहां जाता है उधर तो मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डेवलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफा को यह पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के अखराजात कैसे पूरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफ़ा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो ग़ुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और ग़ुस्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जीना की तबीयत खराब होती है और वह मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह ताली ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शर्जीना अपनी ख़ुशी अपने वाले और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शरजीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफ़ा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फ़िक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदेन ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफी ज्यादा आजाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक़ दे लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने ख़ास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नज़र रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आस्ता-आस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डिवेलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफ़ा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खराजात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और ग़ुस्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जी की तबीयत ख़राब होती है और वो मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शर्जीना अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफ़ा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफा के साथ ही रहूँगी मुस्तफा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदे ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रूबाब के जाने पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक़ दे लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने ख़ास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नज़र रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डिवेलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खराजात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफ़ा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और ग़ुस्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जीना की तबीयत ख़राब होती है और वह मुस्तफ़ा को बुलाती है हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं यह सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज्यादा खुश होते हैं और शर्जीना अपनी खुशी अपने वाले और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन लेकिन वो कहते हैं शर्जीना तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफ़ा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूंगी। मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदेन ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप मिलते रहेंगे अगर तुम तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक ले लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने खास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नजर रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक, एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ रो बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डेवलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफ़ा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खर्चात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और गु़स्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जी की तबीयत ख़राब होती है और वो मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं यह सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह ताली ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शर्जी अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदे ठीक कह है रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक दे लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने ख़ास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नज़र रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ रहो बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डेवलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफ़ा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खर्चात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और ग़ुस्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जी की तबीयत ख़राब होती है और वो मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शर्जीना अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं ये सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदेन ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक ले लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने खास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नजर रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप को लेकर रुबाब के घर चला जाता है मे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आस्था आहिस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डेवलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही फा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खर्चा कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और ग़ुस्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जीना की तबीयत ख़राब होती है और वो मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शरजीना अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफ़ा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूंगी। मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदे ठीक कह है रहे हैं शर्जीना तुम उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफ़ी ज्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक दे लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रूबाप का बाप जो कि अपने खास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नजर कहीं वो बाप को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसके एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफ़ा की वजह से परेशान ना हो, वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ रूबाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप को लेकर रुबाप के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डेवलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ़ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफ़ा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खराजात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफ़ा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और गु़स्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जीना की तबीयत ख़राब होती है और वह मुस्तफ़ा को बुलाती है मुस्तफ़ा जब शर्जीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं यह सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज्यादा अफसरदा था और अल्लाह तला ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज्यादा खुश होते हैं और शर्जीना अपनी खुशी अपने वाले और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफ़ा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी मुस्तफ़ा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदे ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुनासिब नहीं है दूसरी तरफ अदील जो कि रुबाब के जाने पर काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो जाता है और कई बार नताशा से मिलता है और नताशा को कहता है कि आखिर हम कब तक ऐसे छुप कर मिलते रहेंगे अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम अपने शोहर से तलाक दे लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें दूसरी तरफ रुबाब का बाप जो कि अपने खास मुलाजिम से कहता है कि तुम अदील पर ख़ास नजर रखो कहीं वो रुबाब को धोखा तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अदील कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी तो प्यार में अंधी हो गई है लेकिन मुझे उसकी एक एक पल की खबर चाहिए वो कहाँ आते है और कहाँ जाता है उधर मुस्तफा का बाप जो कि शर्जीना और मुस्तफा के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है तो अदील अपने बाप से कहता है कि आप मुस्तफा की वजह से परेशान ना हों वो हमें भूल चुका है और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरे साथ रो बाप के घर चलें वहाँ आपका अच्छे से इलाज भी होगा और आपकी देखभाल करने के लिए नौकर भी होंगे इसलिए अदील अपनी माँ और बाप लेकर रुबाब के घर चला जाता है ड्रामे की अगली एपिसोड में जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो कि अपना घर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और आहस्ता आहस्ता घर की काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे थे क्योंकि मुस्तफ़ा को लगता था कि वो जोसफ़ के साथ काम करने के साथ साथ ऑनलाइन गेम डेवलप करने में भी कामयाब हो जाएगा और फिर वहाँ से उसे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे जिससे वो अच्छा सा घर बना लेंगे लेकिन जोसफ के साथ काम करते करते अचानक से उनकी कंपनी बंद हो जाती है जैसे ही मुस्तफ़ा को ये पता चलता है कि उसकी जॉब चली गई है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो घर के खर्चात कैसे बुरे करेगा और जो ख्वाब उसने शर्जीना के लिए देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे जैसे ही मुस्तफ़ा को पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है तब तो वो गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ देता है शर्जी जो कि मुस्तफा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मुस्तफा शर्जीना की कोई बात नहीं सुनता और गु़स्से में घर से निकल जाता है इसी दौरान शर्जीना की तबीयत ख़राब होती है और वह मुस्तफ़ा को बुलाती हैं मुस्तफ़ा जब शर्जी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर बताती हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है और मुस्तफ़ा सोचता है कि मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना ज़्यादा अफसरदा था और अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी ख़ुशी दे दी शरजीना और मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शर्जीना अपनी ख़ुशी अपने वालद और वालदा को बताती हैं यह सुनकर वो खुश तो होते हैं लेकिन वो कहते हैं शर्जीना से तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम इसके घर में रह सको इसलिए जब तक मुस्तफा कोई अच्छा घर तुम्हारे लिए नहीं बना लेता तब तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तुम हमारी बेटी हो और हमें तुम्हारी फिक्र है शरजीना कहती है कि मैं मुस्तफा को इस हालात में नहीं छोड़ सकती और मैं मुस्तफा के साथ ही रहूँगी मुस्तफा कहता है शरजीना से कि तुम्हारे वालदेन ठीक कह रहे हैं शरजीना तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए